हैप्पी होली गाइस। तो यहीं पे जाना बेटी कलर ले आई थी, ये देखिए पिचकारी कलर, छोटी बेटी की भी है पिचकारी, पता नहीं उसने कहाँ फेंकती है। तो देखिए और तो कोई खेला नहीं था, बस बच्चे ही खेले थे, बड़ी बेटी खेली थी, छोटी तो थोड़ा बहुत ही खेलती, आपको पता है छोटी है अभी वो। और यहीं पे जो है मैं अपना मॉर्निंग का सारा काम जो है निपटा लूँगी, और आज होली का पूजन है तो आज हमारा फास्ट है मेरा और मम्मी का। तो बस यहीं पे मैंने सबके लिए इनके लिए खाना बना दिया था, और हम तो जो है ना शाम को ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, सिंपल पराठे, और सब्जी बना दी थी मैंने। तो बस ये सारा काम निपटा के मैं जो है नहा धो के जो है तैयार होंगी होली का पूजन के लिए। हमें जाना है काफ़ी दूर, तो वहाँ पे हम रेडी होके जाएंगे। तो बस यहीं पे जो है ना मैंने अपनी साड़ी जो निकाल लिया, तो ये साड़ी पहनूंगी, और ये ब्लाउज मैंने स्टिच कराया था पफ वाली बाजू का, और बस ये चुंदरी मैंने निकाली है जो कि मुझे ओढ़नी है साड़ी के ऊपर से, पूजन के लिए जाना है इसलिए। और अभी बेटी है तो मैं चुंदरी ओढ़ती हूँ, और साड़ी बताना आप मेरी कैसी लग रही है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और ये साड़ी दी है मेरी मम्मी ने, अभी एक दिन के लिए गई थी मैं तब दी थी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी साड़ी। आप लोग ज़रूर बताना कैसी लग रही है। तो बस इसको जो है ना मैं ओढ़ लूँगी, और बेटा हो जाता है जब पीलिया ओढ़ते हैं। अभी मेरे पास बेटी है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को सबको। और हम जो है ना मतलब रेडी होके गए थे, तो हम होली जो पूजन होता है वो हम पूजा करके आ चुके हैं, और वहाँ का वीडियो मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तो धूप होती है, और फिर बताऊँ बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी उधर, उस वजह से हम जो है ना मतलब मैं फ़ोन नहीं लेकर गई। आप लोग मेरी साड़ी ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है, और ये ब्लाउज, ये वाली मैंने बाजू जो है ना बनवाई है, ये वाली स्लीव पफ वाली, और मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था बनवाने का, तो मैंने ये खुद से नहीं स्टिच किया है ब्लाउज, मैंने ये स्टिच कराया है टेलर से, तो होती हैं वो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। मैंने जितने भी बाहर ब्लाउज सिलाए हैं ना वो उनके पास ही सिलवाए हैं, और फिटिंग ना बहुत अच्छी बिठाती हैं वो ब्लाउज की, तो बहुत अच्छे से सिलती हैं। और आप लोग भी बताना कि आपका ये त्यौहार मतलब कैसा मना, क्या क्या आपने बनाया, क्या क्या खाया, तो मैं भी शाम तक मतलब आपको दिखा दी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ खाने में। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि इडली ज़रूर बनाना, तो मैं इडली तो बनाने वाली हूँ, बाकी अभी सब्जी का कुछ पता नहीं कि मैं शाम को क्या बनाऊँगी। जो भी कुछ बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और घर का मेरा सारा काम हो गया था उस टाइम तक, थोड़े से कपड़े रह गए थे, और वो कपड़े अभी मैं वॉश करने आई हूँ, मतलब वॉश हो चुके थे लेकिन अभी मैं उन्हें लेकर जाऊँगी। और मैंने सोचा चलिए आपको मतलब आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी देर बैठ गई हूँ। और ये वाली चूड़ियाँ ये दीदी ने मुझे दी थी इस बारी, अच्छी लगी ना, ये सीप में है ये चूड़ियाँ, और मेहंदी एक ही हाथ पे लगी है, ये भी ऐसी सुंदर लगती है यही मेहंदी, बाकी कोई यहाँ पे है नहीं, और मुझे लगानी आती नहीं है, मैंने तो बच्चों को ही बस ऐसे ही लगा दिया था, मेरी बेटी को भी। तो अभी आज हमारा फास्ट है, मेरा कल भी फास्ट था, तेरस का भी फास्ट था मेरा, तो खाना मैंने खा लिया था कल, पर कल का जो खाना खाया था उसमें नमक मिर्च नहीं खाते हैं तेरस के व्रत में, उसमें मैंने पराठे खाए थे चाय के साथ, ठीक है। और आज जो है शाम को जो भी खाना बनेगा वो सब मैं खा लूँगी, लेकिन होली का दहन के बाद। तो यहाँ पे जो है मतलब हर जगह का अपना एक अलग ही रीति रिवाज होता है, मेरे मायके में जो है ना होली पूजन के बाद ही खाना खा लेते हैं मेरी मम्मी भाभी व्रत रहते हैं जो भी, और मेरे ससुराल में मेरे हमारे यहाँ पे ये रिवाज है कि हम होली
होली का पूजन के बाद भी हम नहीं खाते हैं, होली का दहन के बाद हम खाना खाते हैं। पूरा दिन हमको व्रत रखना है। ऐसे ही मेरी छोटी वाली जो ननद है वो पूरा दिन फास्ट रखती हैं, और जो बड़ी वाली ननद है ना वो खाना खा लेते हैं होली का पूजन के बाद, वो आधे दिन में ही खाना खा लेते हैं। तो हम पूरा दिन व्रत रखते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरा 2 दिन लगातार व्रत हो गया, तो आपको पता है बैंड बज जाती है, मुझसे व्रत वगैरह नहीं होते, लेकिन वही करने पड़ते हैं। तो आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ होली पूजन, होली का दहन कैसे होता है, आप व्रत करते हो या नहीं करते हो, तो ज़रूर मुझे बताना। और हस्बैंड की छुट्टी है तो वो घर पर ही हैं, तो नीचे मुझे कोई बात नहीं करने देता, बच्चों का भी वही है बार बार, और फ़ोन बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ मैं, तो मैंने सोचा चलिए ऊपर ही बात कर लेते हैं आप लोगों से। और कान में मैंने ये वाले इयररिंग डाल रखे हैं, मैंने नई खरीद के लाई हूँ, पहले के ही रखे हैं। तो यहीं पे जो है ना, मैं ये इडली बनाने के लिए सूजी ली है, 1 पैकेट आधा किलो है, तो मैं इसको जो है ना रख दूँगी इसका बैटर बना के। तो यहाँ पे मैंने दही ली है आधा कटोरी, ये बड़ी कटोरी है तो मैंने ये आधा कटोरी लिया क्योंकि इतनी है। और थोड़ी सी मैं इसमें करूँगी लस्सी ऐड, क्योंकि लस्सी थोड़ी सी खट्टी है और खट्टा होना बहुत ज़रूरी है, खट्टापन जब रहता है तो इडली बहुत अच्छी बनती है। तो यहीं पर मैंने जो है ना लस्सी इसमें मिक्स कर ली है, तो मैं इसको जो है ना घोल दूंगी अच्छे से, और इसको घोल करके जो है ना रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं लस्सी को डाल रही हूँ कि मुझे कितना पतला बैटर चाहिए। और ये पीछे जो है ना सूजी फूल करके गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए जब हम इडली बनाएंगे तो मैं उसी टाइम पर जो है इसका बैटर जैसा मुझे चाहिएगा उसी तरीके का मैं कर लूँगी। तो यहाँ नारियल की चटनी बनाऊंगी जो कि बहुत टेस्टी लगती है इडली के साथ, उसी का मैच है मतलब। तो सांभर नहीं बनाऊंगी, अभी तक मैंने नहीं बनाया है सांभर भी। तो कढ़ाई पनीर बनाने वाली हूँ, और अभी बस उसी की तैयारी में लग रही हूँ। और मैंने चेंज कर लिया है, सूट पहन लिया है, साड़ी चेंज करके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और बहुत परेशान भी हो रही थी इसलिए। तो इयररिंग्स नहीं उतारे हैं, शाम को ही उतारूंगी ये, चूड़ियाँ भी उतार दी हैं। और बस अभी लग रही हूँ मैं खाने में, क्योंकि अभी से स्टार्ट करूँगी तब भी मेरा हो पाएगा 8-9 बजे। सारी जो है तैयारियाँ कर लूँगी, और फिर बस पूरियाँ तलनी रह जाएंगी तो वो मैं तभी तल दूँगी। तो चलिए फिर मैं क्या क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना गाइस। यहीं पे जाना हस्बैंड ने नारियल छील दिया था, तो मैंने इसके छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, और मैं इसको जो है ना अब मिक्सी में पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक इसकी चटनी बना लूँगी। तो यहीं पे मैंने इसको धुल भी लिया है, तो बस मैं इसको डाल दूँगी, और इसमें डालूँगी 2 हरी मिर्ची बड़े साइज़ की, ये तीखी नहीं है ज़्यादा इसलिए मैं इसमें 2 तीखी वाली और डालूँगी। धनिया ले लिया है, और 1 नींबू मैं इसमें ऐड कर दूँगी, नींबू का रस, और इससे जो है ना टेस्ट बहुत बढ़ जाता है नारियल की चटनी का। तो बस मैं इसको पीस लूँगी अच्छे से। तो यहीं पे मैंने इसमें जो है ना थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, तो इसमें मैंने मूंगफली की ग्रेवी पीस करके डाल दी है। तो बस यहीं पे जो है ना मैंने पीस ली है चटनी, ये देखिए बिल्कुल बारीक पीसी है। और यहीं पे मैं इसको तड़का लगा दूँगी, तो तड़के के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैंने डाला है 1 बड़ी चम्मच घी, देसी घी, और इसमें मैं डाल दूंगी राई, तेज़पत्ता, जिससे कि बहुत टेस्टी चटनी बनती है नारियल की। तो बस यहीं पे जो है ना मैंने इसमें तड़का लगा दिया, ये देखिए। तो यहीं पे मैंने सब्जी की भी तैयारी करके रखी हुई है, पनीर लिया है, शिमला मिर्च है, और प्याज टमाटर की प्योरी बना रखी है। तो प्याज मैंने 2 बड़े प्याज काटे हैं बड़े साइज़ के। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल लूँगी, और थोड़ा सा डाल लूँगी सरसों का तेल, और मैं पहले कर लूँगी पनीर को फ्राई, सारी चीज़ों को पहले मैं फ्राई करूँगी। तो पहले मैंने पनीर के बड़े बड़े क्यूब्स काट के रखे हुए थे, तो यहीं पे मैंने पनीर को फ्राई कर लिया, इसी में मैंने शिमला मिर्च और प्याज को भी फ्राई कर लूँगी मैं। और ये देखिए इसी साइज़ का जो है ना काटते हैं, बाकी आपकी जो मर्ज़ी हो वैसे काट लीजिए। तो बस इसी को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी और निकाल लूँगी प्लेट में यहीं पर, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी।
तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी, तो यहीं पे मैंने छौकन चढ़ा दिया था। इसमें डाल दी है मैंने इलायची, लौंग, ज़ीरा, और अभी मैं जो ने बारीक चॉप करी हुई प्याज है मैं उनको ऐड कर दूंगी इनमें। तो इसको थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन और अदरक जो कि मैंने कूट करके रखा हुआ था। तो बस मैं इनको भून लूँगी और इसी में जो है ना मसाले डाल दूँगी। और ज़्यादा मैंने इसमें गरम मसाले नहीं डाले थे, मतलब सूखे। मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्ची, हरा और हल्दी। और उसी के बाद मैंने इसमें डाल दिए टमाटर की प्योरी। टमाटर को मैंने पीस कर रखा हुआ था, दो टमाटर। और बस यहीं पे मैं इसमें डाल दूँगी एक बड़ी चम्मच मलाई, ये देखिए। तो मैंने मसाला जो अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है सारी सब्जियाँ। मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ी सी देर तक मैं इनको मसाले में जो है ना फ्राई, मतलब मसाले में ही भूनूंगी। और साइड में मैंने कुकर चढ़ा दिया है क्योंकि मुझे इडली बनानी है, बच्चों को भी भूख लग रही है। तो पहले मैंने इडलियाँ बना ली थी, साथ के साथ सब्जी भी बना ली। तो मैंने यहीं पे थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है और सब्जी को ढक दूंगी। और यहीं पे मैंने जो है ना सूजी को, 2 घंटे हो चुके थे तो इसका बैटर जो है गाढ़ा हो चुका था, तो मैंने यहीं पे जो है इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर लिया था। और बस प्लेटों में जो है देसी घी लगा दिया, वहाँ कुकर में मैंने पानी गर्म करके रखा हुआ था पहले से ही। और बस मैं यहाँ पे जो है ना प्लेट में डाल के सूजी रख दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। कुकर नहीं है मेरे पास, यहाँ पे इडली जो है बन करके हो गई है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत ही टेस्टी बनी थी, चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो मैं हस्बैंड के लिए देकर आई हूँ पहले, बच्चों ने भी खा लिया, और साथ के साथ मैंने हलवा भी चढ़ा दिया है सूजी घी का। तो यहाँ पर मैं सूजी भून रही हूँ, देसी घी लिया था मैंने और एक कटोरी जो है ना सूजी ली थी। तो बस यहीं पर जो है ना इसको भी भून लूँगी मैं अच्छे से, और क्योंकि मीठा भी तो होना ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैंने सूजी का हलवा बनाया था, थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, उसमें से भी बच गया था। तो बस यहीं पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी मैंने गर्म करके रखा हुआ था। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर मुझे बताना। मैं सूजी का हलवा ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और चीनी भी, मैंने जितनी सूजी ली थी ना उसी कटोरी में मैंने चीनी ली थी। तो बस वहाँ पे मैंने बादाम डाल दिए थे, तो हलवा भी बनकर तैयार हो गया था। तो कान्हा जी के लिए भोग लगा दिया था सबसे पहले, और तेल चढ़ा दिया है पूरियों के लिए। और सब्जी देखिए बहुत ही टेस्टी बनी थी, ये देखिए। तो यहीं पर मैं खाना भी अभी बना लूँगी, पूरियाँ तल रही हूँ, और होलिका दहन से आ चुके थे पापा जी और हस्बैंड जी, तो इतने में जो है ना मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ करके रखे हुए थे। तो यहीं पे जो है पूरियाँ तल लूँगी मैं जल्दी से, और सबके लिए खाना डाल दूँगी, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो ये आप लोग भी हलवा, अचार, कढ़ाई पनीर, पूरियाँ। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 10:15 बज रहे हैं, खाना वगैरह सब हो गया था, और मम्मी पापा बड़ी बेटी सो गए हैं, और आप हालत मेरी देख सकते हैं कैसी हो गई है, एकदम से डाउन हो गया क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और मैंने सोचा चलिए वीडियो का एंड तो करना ही है, तो वीडियो का आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में, और जो रेसिपी है वो भी आप बताना ज़रूर, आपको कढ़ाई पनीर की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। और खाना बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए, मैं खड़ी खड़ी बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए जो है अभी आप लोगों से बातें करनी, तो मैंने सोचा वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, और फिर से आपको हैप्पी होली, बाय बाय।